मैं जशपुर नगर हूं। एक गौरवमय संस्कृति एवं परंपरा का जीता जागता साक्षी। कहते हैं कि हर एक क्षेत्र की कुछ विशेषताएं होती है, वैसे ही प्रकृति ने इस भूमि का निर्माण करते समय, मेरा गौरव बढ़ाने वाली विशेषताएं प्रदान करते समय कुछ भी शेष नहीं छोड़ा। क्या कुछ नहीं दिया प्रकृति ने मुझे? विस्तीर्ण फैला वन क्षेत्र, सूर्य की किरणों को भी जमीन को छूना कठिन लगे ऐसा घना जंगल, विभिन्न वृक्ष, औषधि वनस्पतियों को अपने आंचल में पनाह देने वाली भव्य पहाड़ियां, अपने अविरल प्रवाह से संपूर्ण भूमि को सुजलाम सुफलाम करने वाली नदियां और झरने, और सबसे महत्वपूर्ण, इस प्रकृति को ही ईश्वर मानकर उसकी आराधना करने वाला यहां का जनजाति समाज, यहां के उराव और अन्य जनजातियों के मन की निर्मलता और सहजता की सुगंध, और थिरकने के लिए मजबूर करने वाले उनके ढोल मांदल की आवाज से यहां का कण कण मानो पवित्र सा हुआ है। वैसे देखा जाए तो जशपुर ब्रिटिश काल में एक संस्थान था। राजा सुजान राय से लेकर आज तक सभी राजा महाराजाओं ने इस क्षेत्र के विकास के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। उसमें भी राजा विजय भूषण सिंह देव जी को आज भी यहां के लोग श्रद्धा से याद करते हैं। इसी जशपुर नगर क्षेत्र में 1948 को एक वनयोगी का आगमन हुआ। प्रख्यात समाज सेवी ठक्कर बाप्पा की प्रेरणा से यह वनयोगी आया तो एक सरकारी अधिकारी के नाते, लेकिन भारतीय संस्कृति का अभिन्न घटक होते हुए भी उपेक्षा का शिकार बना हुआ यहां का भोला भाला वनवासी समाज, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति, उसके भोलेपन का लाभ उठाते हुए विधर्मियों द्वारा हुआ उनका धर्मांतर आदि परिस्थिति देखकर यह वनयोगी व्यथित हुआ और जशपुर को ही उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाने का निश्चय किया। रमाकांत केशव तथा बाला साहब देशपांडे, यह उस वनयोगी का नाम। जनजाति समाज की सर्वांगीण उन्नति करने का उनका संकल्प और समाज के प्रति उनके प्रखर चिंतन, इन दोनों के मंथन से निकले अमृत का नाम था वनवासी कल्याण आश्रम। संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरुजी और कितने ही संत महापुरुषों के आशीर्वाद से जनजाति बंधुओं के लिए इस अद्वितीय कार्य का प्रारंभ इसी जशपुर में हुआ था। मैं साक्षी हूं 26 दिसंबर 1952 के उस स्वर्णिम दिवस का, जिस दिन 13 बालकों को लेकर कल्याण आश्रम का पहला छात्रवास प्रारंभ हुआ था। मैं रोमांचित हुआ हूं उस प्रत्येक क्षण का जो इस छोटे से पौधे को वटवृक्ष तक पहुंचाने में सहायभूत हुआ है। मैं अभिभूत हूं उस प्रत्येक राष्ट्र ऋषि के सानिध्य का जिन्होंने कल्याण आश्रम के इस ईश्वरीय कार्य को राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए अपना जीवन तिल तिल जलाया था। मोरू भैया केतकर, भीमसेन जी चोपड़ा, मिश्रीलाल जी तिवारी, स्वामी अमरानंद जी महाराज, कृष्णराव सप्रे, रामभाऊ गोडबोले, भास्कर राव कलंबी, जगदेव रामजी उरांव, कितने नाम गिनाए। आपातकाल के बाद 1978 में हुई उस ऐतिहासिक कार्यकर्ता बैठक का भी मैं साक्षी हूं
जिसमें कल्याण आश्रम का देशव्यापी विस्तार करने का निर्णय हुआ था। गर्व की अनुभूति हुई थी तब, मानो मेरा ही विस्तार हो रहा है। आज कल्याण आश्रम संपूर्ण जनजाति क्षेत्र में कार्यरत देश का एक विशाल संगठन बन गया है। देश का कोई भी जनजाति क्षेत्र अब ऐसा नहीं जहां कल्याण आश्रम का कार्य पहुंचा नहीं है। एक प्रखर राष्ट्रीय विचारधारा और तू मैं एक रक्त, इस भाव से कार्यरत हजारों समर्पित कार्यकर्ताओं के आधार पर कल्याण आश्रम जनजाति क्षेत्र में कार्यरत एक विश्वसनीय संगठन बन गया है। एक स्वावलंबी, सुसंगठित और किसी भी प्रतिकूलता का सामना करने में सक्षम ऐसे सामर्थ्यशाली जनजाति समाज के निर्माण का जो सपना वनयोगी बाला साहब देशपांडे जी ने देखा था, वो सपना साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। जनजाति समाज स्वयं के विकास के साथ साथ राष्ट्र के विकास में भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। आज भी सैकड़ों कार्यकर्ता जशपुर की इस भूमि पर आकर कार्य के लिए प्रेरणा और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कार्य के प्रति उनकी निष्ठा, समर्पणशीलता और जनजाति विकास के प्रति उनकी संकल्पबद्धता मेरे भी उत्साह का प्रमुख आधार है। इसी जशपुर की भूमि से प्रारंभ हुए कल्याण आश्रम की विकास यात्रा अब अमृत महोत्सवी वर्ष की ओर मार्गक्रमण कर रही है। आज मैं धन्य हूं, कल्याण आश्रम का वर्तमान स्वरूप देखकर गर्व की अनुभूति कर रहा हूं। वैसे तो मेरा स्थान अटल है, क्योंकि मैं जशपुर नगर हूं। आखिर कल्याण आश्रम की गंगोत्री जो हूं। जैसे पांडे आश्रम बीज रूपे कते सुंदर हरा भरा लागे, बाला साहब जैसे पांडे आश्रम बीज रूपे कते सुंदर हरा भरा लागे। जसपुर नगर माझे राजा कर गढ़ तरे, राजा कर गढ़ तरे, बाला साहब जैसे पांडे आश्रम बीज रूपे।